बांग्लादेश में एक अजीब स्थिति है, कहीं बाढ़ तो कहीं सूखा है। बांग्लादेश का एक हिस्सा सूखे का सामना कर रहा है, वहां खेती करना भी मुश्किल है। दूसरे हिस्से में बाढ़ के चलते लोग अपना घर बार छोड़ने को मजबूर हो चुके हैं। नदियों में आए उफान की वजह से ही किनारों पर तेजी से कटान हो रहा है, जिससे गाँव के गाँव पानी में समाते जा रहे हैं। बांग्लादेश में बाढ़ ने ऐसा कहर ढाया है कि गांव के गांव पानी में समाते जा रहे हैं। दक्षिण बांग्लादेश का हिस्सा बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित है। यहां के लोग घर बार छोड़कर दूसरे इलाकों में पलायन के लिए मजबूर हैं। मेघना नदी के तटों पर बसे गांव बाढ़ की सबसे ज्यादा मार झेल रहे हैं। बांग्लादेश से करीब 130 नदियां गुजरती हैं, जो सभी हिमालय इलाकों से निकलती हैं। बारिश के चलते नदियों में तो उफान आता ही है, जलवायु परिवर्तन के चलते हिमालय बर्फ पिघलने से भी नदियों में बाढ़ आ जाती है। इस दोहरी मार के चलते बांग्लादेश के लोग हर साल बाढ़ की मार झेलने के लिए मजबूर हैं। जून से अक्टूबर तक मानसून के मौसम में कई नदियां अपना रास्ता बदल लेती हैं, जिसके चलते तटवर्ती इलाकों के बाजारों, दुकानों, सड़कों, स्कूलों और घरों को बहा ले जाती है। इस दौरान हजारों लोग विस्थापित हो जाते हैं और शरणार्थी बन जाते हैं। क्लाइमेट चेंज के चलते समुद्र का दायरा भी बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते बड़ी संख्या में लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ रहा है। पिछले साल प्रकाशित वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2050 तक दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन के चलते बांग्लादेश के 1 करोड़ 90 लाख से ज्यादा लोग शरणार्थी बनने के लिए मजबूर हो जाएंगे।